गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सो टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टू डिस्कस अबाउट ग्रुप डिस्कशन ओके ग्रुप डिस्कशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर SSB interview which इंटरव्यू crucially इज़ क्रूशली इन द जी ओके जी में ग्रुप डिस्कशन को रखा गया uh, जब हम जी की बात करते हैं तो जी में इन टोटल वहाँ पे आपको दो टॉपिक्स दिए जाएंगे ठीक है जो पहला टॉपिक होगा उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम रहेगा बट जो सेकेंड टॉपिक रहेगा वो थोड़ा स्ट्रेटेजिक टॉपिक रहता है एंड इन अ टॉपिक दे विल गिव यू थ्री लीड्स ओके तीन लीड रहेगा जिसमें से यू हैव टू स्पीक इन फेवर ऑफ एनी वन लीड यू डोंट हैव टू स्पीक इन द फेवर ऑफ ऑल द थ्री लीड्स आपको एक ही लीड के फेवर में वहां पे अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है ठीक है तो आइए हम जानते हैं ग्रुप डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस के बारे में ओके okay? ग्रुप डिस्कशन इज अ मैथड ऑफ एसेसिंग अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स बाई एनाइजिंग देर एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस देर ओपिनियंस ऑन गिवन टॉपिक ठीक है सी क्योंकि आप लोग सेना में ऑफिसर बनने जा रहे हैं ठीक है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपके अंदर एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस लेवल हो या आपके पास इतनी नॉलेज हो कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में दे दिया जा रहा है तो आप वहां पर अपने थाट्स को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस कर पाए ओके इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन प्रोसेस इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज इंक्लूडिंग द एस एस बी इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट सीकिंग सलेक्शन इन टू द इंडियन आर्म फोर्सेज ओके सी अब क्योंकि जी डी आप देखेंगे कॉरपोरेट फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है सेम तरीके से एस एस बी इंटरव्यू में भी जी डी को रखा गया है जहाँ पर आप अपने थाट्स को एक्सप्रेस करते हैं जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ओके आपकी रीजनिंग एबिलिटी देखी जाती है कि आप किसी चीज को लेके आपका पर्सपेक्टिव कितना वेरिड है आपके ओपिनियंस क्या हैं और आप किस तरीके से चीजों को परसीव करते हैं अंडरस्टूड नाउ इन एन एस एस बी इंटरव्यू द ग्रुप डिस्कशन इज कंडक्टेड टू एस एस द कैंडिडेट्स इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम लीडरशिप क्वालिटीज एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग द टॉप ओके अब सी क्योंकि जो टॉपिक आपको दिया जाता है वो एट रैंडम दिया गया है उसके बारे में आपको पता तो है नहीं ठीक है उसके बारे में आपको नॉलेज हो सकती है बट जो एग्जैक्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यू टू यू अब उस कंडीशन में आप किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं ओके नाउ हाउ इज़ योर कॉम्युनिकेशन स्किल सी अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट द कॉम्युनिकेशन स्किल इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थाट्स ओके एंड द लैंग्वेज इज मीडियम लैंग्वेज मीडियम का काम करता है और स्किल क्या है आपकी एबिलिटी है ओके okay? उसके बाद इसमें आपका कॉपरेशन विद द ग्रुप ओके आप ग्रुप के साथ किस तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं ठीक है आप ग्रुप के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा उसके साथ साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी सी अगर आप ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ बैठे हैं ठीक है आप कितने कंफर्टेबली वहां पे अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं विद द पीपल अराउंड यू ओके The topics for the group discussion are generally related to current affairs, social issues or personal experiences. ठीक है जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो कुछ टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कुछ ऐसा बर्निंग टॉपिक ठीक है उसके अलावा जो आपके कंट्री से रिलेटेड हो सकता है इंटरनेशनल इशू भी कोई हो सकता है ठीक है एनवायरमेंट क्राइसिस से रिलेटेड भी हो सकता है जो भी इस समय प्रचलन में है ओके उसके बाद सोशल इश्यूज जहां पे समाज में कुछ ऐसे इश्यूज लाइक विमेन एम्पावेंट से रिलेटेड भी हो सकता है ठीक है एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिसमें बेसिक से टॉपिक्स रहेंगे जहां पे आपको अपना जनरलाइज्ड ओपिनियन रखना पड़ेगा द ग्रुप इज यूजली गिवन अ लिमिटेड टाइम टू डिस्कस द टॉपिक एंड अराइव एट कंसेंसेस ठीक है जो फिक्स्ड टाइम है जीडी के लिए देर इज नो फिक्स टाइम बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो समय है वो लिमिटेड ही मिला है इट इज़ टोटली अप टू द एस वो कितनी देर तक जी कंडक्ट करवा रहे हैं इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप बैठे हैं और सोच रहे हैं कि नाउ आई विल पार्टिसिपेट और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है और आप सोच रहे हैं अभी आप करेंगे तो टाइम इज रनिंग क्या पता आप जब तक सोचें और करना चाहें तब तक टाइम ही ओवर हो जाए तो आपके माइंड में जो भी थाट्स रहते हैं आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप तुरंत पार्टिसिपेशन अपना दें विध गुड कॉन्फिडेंस लेवल The importance of group discussion in the SSB interview lies in the fact that it helps in evaluating the candidates personality traits which are crucial for a career in the Indian Armed Forces. It allows the SSS to observe how the candidate interacts with other, presents their viewpoint and how they handle conflicting opinions. Now you have to understand see it's not a debate, okay? it's a group discussion. सो so, जब हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं तो हमारा डिस्कशन हो, होता है ऑन वॉट मस्ट बी द राइट थिंग तो यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बिकॉज यू आर चूजिंग अ सिंगल लीड ठीक है बाकी का ओपिनियन आपसे डिफर हो सकता है अगर आपका लीड और दूसरे का लीड डिफर कर रहा है तो आप उस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहे कहीं आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग तो नहीं हो रहे अगर आप इस तरीके का जेस्टर्स दिखाएंगे तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सो हाउ यू आर कॉपरेटिंग विद अदर कैंडिडेट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप किस तरीके से दूसरे कैंडिडेट्स के साथ अपना बिहेवियर भी रखते हैं अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं इफ़ यू आर पॉइंटिंग योर हैंड्स और फिंगर्स एट एनी इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल ओके Group discussions also test the candidates' ability to analyze and synthesize information, which is essential for making quick and informed decisions in real-life scenarios. Okay? अब see, क्योंकि आप Indian Defence Forces में जा रहे हैं, okay? It is a very demanding service. अगर आपको चीजों के प्रति awareness ही नहीं है, सी आपकी personality का assessment हो रहा है, आपको self awareness ही नहीं है और फिर आप एस एस बी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी का असेसमेंट होगा अगेन इट इज़ अ ड्रॉबैक और डिसएडवाटेज फॉर यू ओके उसी तरीके से आप एक डिमांडिंग सर्विस के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर अगर आपको चीज़ों के प्रति जागरूकता ही नहीं है अवेयरनेस ही नहीं है तो अगेन ये अपने में ही एक बहुत बड़ा डिसएडवाटेज है सो ग्रुप डिस्कशन में जो हमने चीज़ें डिस्कस की आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखना चाहिए जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो मेक श्योर sure कि आप सभी कैंडिडेट्स के साथ आई कॉन्टैक्ट बना के बोले वहाँ से आप वहाँ पर आप इस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ बढ़ा पाएंगे दूसरा इससे आपका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप ये भी एनहेंस होता है ओके okay? जो भी पॉइंट्स है आप कोशिश करिए कि कम अप विद वेरीड पर्सपेक्टिव डोंट रिपीट द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन इससे होगा कि अगर आपको जब चांस मिल रहा है आप सेम ही पॉइंट बोल रहे हैं तो ग्रुप आपको चांस भी नहीं देगा और इससे आपकी नॉलेज में कमी भी पता चलती है ओके सो आई होप यू गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन थैंक यू वेरी मच